इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं समस्त पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति वैशाली नगर जयपुर, समस्त बड़जातिया परिवार कामा वाले वैशाली नगर जयपुर, समस्त पाटनी परिवार नावा वाले श्री अमृतलाल, श्रीमती निर्मला देवी, श्री आलोक काला, श्रीमती विभू काला एवं समस्त काला परिवार नावा वाले वैशाली नगर जयपुर, सुरेंद्र जी एवं समस्त हरियाणा वाला परिवार। जय जिनी दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत की प्रसिद्ध नगरी जयपुर के वैशाली नगर स्थित नर्सरी सर्कल में श्री मजनेन्द्र 1008 महावीर जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य प्राकृतिक ज्ञान केसरी आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में 27 मार्च से 1 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए देखते हैं इस महोत्सव के अनुपम दृश्य। राजस्थान प्रांत की प्रसिद्ध नगरी जयपुर के वैशाली नगर स्थित नर्सरी सर्कल में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री मज्जिनेन्द्र 1008 महावीर जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्यति भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र गौरव आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में 27 मार्च से 1 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में 28 मार्च के मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने नित्य महापूजन वंदन कर प्रभु की शांति धारा करने के साथ किया। ओम नमः सिद्धेभ्या, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमो नमः। शांतिधारा के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ्य व श्रीफल समर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। तो वहीं स्वर्ण सौभाग्यवती विभू काला एवं अनीता जैन जी ने गर्भ कल्याणक के उपलक्ष्य में नाचते झूमते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। ओम रीम प्रतिक्रमणावश्यक धारक साधु परमेष्टिभ्यो हरगम पामती स्वाहा। ओम रीम स्वाध्याय आवश्यक गुणधारक साधु परमेष्टिभ्यो हरगम पामती स्वाहा। गुणधारक साधु परमेष्टिभ्यो हरगम पामती स्वाहा। ओम रीम भूषण्य नियम धारक साधु परमेष्टिभ्यो हरगम। अगले क्रम में बालक बालिकाओं ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इसी दौरान उनका स्वागत सत्कार भी किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव के चरण पखार कर व उन्हें शास्त्र भेंट कर धर्मलाभ अर्जित किया। तत्पश्चात महानुभाव ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचारों को साझा किया। सभागार में जो धर्मावलंबी बैठे हैं, धर्म अनुरागी जो लोग बैठे हैं, उन सबकी ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ। साथ में जो आदरणीय मुनिराज बैठे हैं, उपाध्याय बैठे हैं, मुनिश्री बैठी हैं, आर्यिकाएँ बैठी हैं, शुल्लक जी हैं, शुल्लिकाएँ हैं, और आज इतना बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो जिस प्रकार आपने वैशाली नगर में कुंडलपुर मंदिर का निर्माण किया है, मैं समझता हूँ
कि 2500 साल पहले का जो इतिहास था वो आपने जयपुर के वैशाली नगर में दोहरा दिया है, और जो सारे धर्म बंधु हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग किया, धर्म को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग किया, और जो मूर्तियां जो अभी अंदर विराजमान हैं, जो आज पाषाण हैं, और जब आप पंच कल्याणक मनाएंगे तो वो भगवान बन जाएंगी, उस सब के लिए भी आपको बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तदुपरांत श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वृक्ष बीज में छुपा हुआ है, देखो अंतर मन से, नर में नारायण सोया है, जागेगा चिंतन से। वृक्ष बीज में छुपा हुआ है, देखो अंतर मन से, नर में नारायण सोया है, जागेगा चिंतन से। बाहर की आंखों का क्या है, भीतर आंखें खोलो, हर आत्मा में छुपा है भगवान, कर विचार अनुभव लो, कर विचार अनुभव लो। बीज से वृक्ष की यात्रा पर आप सुन रहे थे। अब एक कल्याणक पर तो आपने पूर्व प्रवचन सुन लिया, वो भी साधारण व्यक्ति से नहीं, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, श्रेष्ठतम सचिव समझ समित जी शर्मा, जो कि वाइफ जैन हैं, इसलिए जैन धर्म का ज्ञान पहले से होने के बाद उनके आने से और ज़्यादा बढ़ गया। सौभाग्यशालियों, एक कल्याणक तो आपने पूरा सुन लिया, अब बाकी चार कल्याणक हैं, तो एक किताब कमेटी वालों से मांग लेना, उन्हें छपवाई है, बाकी कल्याणक उसमें से मिल जाएंगे। आपको एक बात बता दें कि बहुत लोगों ने 16 सपनों पर प्रवचन किए होंगे, लेकिन परंपरा के साथ विज्ञान को जोड़ करके जैसे समित जी ने पेश किया, शायद पहली बार हुआ होगा। बोले तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की मां त्रिशला पूर्वकालीन 23 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करती थी, इसलिए वृषभ दिखा, हाथी दिखा, सिंह दिखा, रत्न राशि दिखी, कमल और कमल सरोवर दिखा, धर्मेंद्र का विमान दिखा, देवताओं धर्मेंद्र का भवन दिखा, देवताओं का विमान दिखा, अनंत गुण वाले होने वाले हैं रत्न राशि दिखी, कर्मों का क्षय करके सिद्ध हो जाएंगे निर्धूम अग्नि दिखी, सूर्य दिखा सूर्य के समान समकेंगे, चंद्रमा दिखा चंद्रमा के समान शीतल होंगे, दो पुष्प मालाएं दिखी, ढेर सारे भोग होंगे लेकिन भोगेंगे नहीं, मीन युगल दिखा आनंद कल्लोल में जीवन जाएगा लेकिन वो बाल ब्रह्मचारी बन जाएंगे। 16 सपनों का सारांश, और कई बार कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान की मां ने 16 सपने देखे, और तीर्थंकर ऐसे बेटा पैदा हुए कि अपनी मां के 16 सपने साकार कर दिए। आज की मां एक ही सपना देखती है, बेटा बड़ा हो अपने पांव पर। कार्यक्रम में अब सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पुराई की मांगलिक क्रियाएं की, तदुपरांत हर्षोल्लास से माता त्रिशला की गोद भराई की गई। होती है और ये घरों की शान, ये घर
संध्या बेला में जिनेंद्र भक्तों ने संगीतमय वातावरण में मंगल दीपों से श्री जी की आरती कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया, जिसके बाद श्राविकाओं एवं नृत्य कलाकार ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम के वातावरण को भक्तिमय बना दिया। अगली श्रृंखला में माता त्रिशला के निद्रा से जागने पर अष्टकुमारियां माता को नभन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं, जिसके बाद माता ने अष्टकुमारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। तत्पश्चात स्वर्ग से आई 56 देवियों ने माता को उपहार भेंट किए। सुंदर सुंदर कंगीले के आई रे, अति अति सुंदर सुंदर कंगीले के आई रे, अति अति सुंदर श्री देवी ने देखो कंगी थामली, श्री देवी ने देखो कंगी थामली, केश बना के उसने खुशियां मान ली, देव देवी देखो अब बिंदिया ले आई रे, देव देवी देखो माथे पे बिंदी का, माथे पे बिंदी का, माथे पे बिंदी का श्रृंगार कर दिया, बिंदिया लगा के चेहरा कर दिया, देव देवी देखो कुंडल को लाके, कुंडल को लाके, कुंडल को लाके माँ को पहना दिया, कुंडल पहना के माँ को नमन कर दिया, चूड़ी को लाल लाल चुनरी, लाल चूड़ी को लाल लाल चुनरी। काजल से काला क्या होता है हे देवी? काजल से काला कलंक होता है। कभी भी जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे कि समाज, धर्म, परिवार पर कलंक लगे। हे माँ, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। पूछिए देवी। माता, भूमि से भारी क्या है? हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। भूमि से भारी पाप है। ऐसा जीवन में कोई कार्य नहीं करे जिससे पापाचरण हो। स्वर्गों की देवी आई, होले होले धीरे धीरे, माँ के मेहर में कृष्णा माता से, जानिए तो क्या क्या पूछे कृष्णा माता से, जानिए तो क्या क्या पूछे, ऐसे पूछे कुछ ना सोचे सांसें मेरी। अब महाराज सिद्धार्थ सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जान रहे होते हैं। तभी महारानी त्रिशला का राज्य भवन में आगमन हुआ और फिर उन्होंने महाराज से अपने स्वप्नों का फलादेश जाना। वर्तमान में अनेकों मत मतांतर प्रचलित हो गए हैं। मनुष्य अपने लोभ, अपने स्वर्ग की प्राप्ति के लोभ में जीवित पशुओं को यज्ञ में बलि चढ़ा रहे हैं।
भविष्य में भारत की दुर्दशा के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। मत मतांतरों की ज्वाला से भारत भूमि धधक रही है। धर्म के स्वरूप को परिवर्तित व अपने अपने मतों से परिभाषित किया जा रहा है। आज इस पावन भारत की धरा पर हिंसा का तांडव हो रहा है, चारों ओर हिंसा का तांडव हो रहा है। और भगवान ऋषभदेव से लेके पार्श्वनाथ तक की इस पावन धरा पर क्या क्या हिंसाएं नहीं हो रही हैं, क्या क्या हिंसाएं नहीं हो रही हैं महाराज। इस हिंसा में और पीड़ा में अपने देश को, इस जीव को बचाने के लिए कब हमारा उपदेश दाता आएगा, कब हमारा वर्तमान का वर्तमान आएगा। हे प्राणेश्वर, जब मैं रात्रि के अंतिम पहर में निद्रा मग्न थी, तब मैंने अद्भुत 16 सपने देखे। मैं इन सपनों का फल जानना चाहती हूँ। 16 सपने देखे जी पिछली रात को, कहने आई ओ राजा जी अपनी बात को। हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी दो मालाएं देखी, कमल सरोवर और समंदर युगल मीन भी देखी, चंद्र सूरज देखे जी पिछली रात को, चंद्रा सूरज देखे जी पिछली रात को। ऐसे सपने न देखे कभी रात को। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग हमारा है। गज देखन से सुत उत्तम हो, प्रशम से जग गुरु हो मेरा। स्वर्ग विमान स्वर्ग से आए, ना केंद्र अवधि ज्ञानी होगा। स्वर्ग विमान स्वर्ग से आए, ना केंद्र अवधि ज्ञानी होगा। रत्न राशि से सर्व गुणों का अधिकारी वह सुत होगा, अधिकारी वह सुत होगा। निर्धुम अग्नि से कर्म जला किया, निर्धुम अग्नि से कर्म जला किया, शुद्ध चिदानंद प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे समस्त पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति वैशाली नगर जयपुर, समस्त बड़जात्या परिवार कामा वाले वैशाली नगर जयपुर, समस्त पाटनी परिवार नावा वाले श्री अमृतलाल, श्रीमती निर्मला देवी, श्री आलोक काला, श्रीमती विभू काला एवं समस्त काला परिवार नावा वाले वैशाली नगर जयपुर, सुरेंद्र जी एवं समस्त हरियाणा वाला परिवार,